आगे हम पढ़ेंगे पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, यानी कि वे एजेंट जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब ये किस कंडीशन में होता है, तो क्रॉस पोलिनेशन में हमने पढ़ा है कि क्रॉस पोलिनेशन में पोलिन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो वो जिस मीडियम द्वारा ट्रांसफ़र होता है उस मीडियम को हम पोलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक यानी नॉन लिविंग, बायोटिक यानी कि लिविंग, ठीक है। तो पोलिनेटिंग एजेंट वे सभी एजेंट जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र करते हैं पोलिनेटिंग एजेंट कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट जब पोलिनेशन प्रोसेस में नॉन लिविंग एजेंट्स हेल्प करते हैं तो ऐसे एजेंट को एबायोटिक एजेंट कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, ये सभी एबायोटिक एजेंट होते हैं। जैसे अगर एयर द्वारा होता है पोलिनेशन तो उसे हम कहते हैं एनेमोफिली, और यदि वाटर द्वारा होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। सबसे पहले स्प्रेंजल ने 1973 में एनेमोफिली के बारे में स्टडी किया। बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट क्या होता है, तो जब पोलिनेशन प्रोसेस लिविंग एजेंट्स के हेल्प से हो तो ऐसे एजेंट को बायोटिक एजेंट कहते हैं। देखिए यहाँ, जब पोलिनेशन प्रोसेस लिविंग एजेंट के हेल्प से हो तो ऐसे एजेंट को बायोटिक एजेंट कहते हैं। जैसे लिविंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं, तो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, एंट्स एंड ह्यूमन हैंड्स। इसी तरह यदि इंसेक्ट्स द्वारा हो रहा है पोलिनेशन तो उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली, बर्ड्स द्वारा हो रहा है तो उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली, बैट्स द्वारा होता है तो उसे हम कहते हैं चिरपोटेरोफिली, स्नेल्स द्वारा हो तो उसे हम कहते हैं मेलियोफिली, और यदि एंट्स द्वारा होता है तो उसे हम कहते हैं बिरमेकोफिली, और ह्यूमन हैंड द्वारा होता है तो उसे एंथ्रोफिली कहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल अंतःक्रिया, पोलन मीन्स पोलन ग्रेन, पिस्टिल यानी कि कार्पेल या यू कहें गाइनोसियम। गाइनोसियम के यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, तो ये है आपका एक पिस्टिल या कार्पेल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके स्टिग्मा पर क्या है, पोलिन ग्रेन, जिसका मैग्निफाई स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इस पोलिन ग्रेन में देखिए, इस पोलिन ग्रेन से एक ट्यूब निकलता है। आप यहाँ देख सकती हैं आसानी से कि यहाँ पे एक ट्यूब निकला है जो कहाँ गया है, इसके स्टाइल में, और स्टाइल से होकर ये जाता है इसके ओवरी में, और ओवरी में जाता है ओव्यूल के पास, ठीक है। तो इसके ट्यूब में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस और टर्मिनल न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस होता, इस प्रोसेस में पोलिन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आता है तो यदि वह उस स्टिग्मा से कॉम्पेटिबल होता है तो वह उससे भोजन ग्रहण कर मैच्योर हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब पोलिन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो वह उससे भोजन करता है, भोजन ग्रहण करता है और मैच्योर होता है, फिर पोलिन ग्रेन अंकुरित होता है, ठीक है। इससे एक ट्यूब निकलता है जिसे पोलिन ट्यूब कहते हैं। पोलिन ट्यूब में दो न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस और टर्मिनल न्यूक्लियस, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है, और जनरल न्यूक्लियस को जेनरेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं।
पॉलिन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ मूवमेंट केमोट्रोपिज्म कहलाता है, यानी कि जब पॉलिन ट्यूब ओव्यूल की तरफ मूवमेंट करता है तो उसे हम केमोट्रोपिज्म कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसे केमोट्रोपिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। पॉलिन ट्यूब का साइफोन स्टाइल में मूव करना साइफोनोगैमी कहलाता है। ये जो पॉलिन ट्यूब है जो कहाँ से निकलता है, पॉलिन ग्रेन से, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन से जो पॉलिन ट्यूब निकलता है वो जाता है ओव्यूल के पास, तो किससे होकर जाएगा, जाहिर सी बात है स्टाइल से होकर जाएगा। तो जो स्टाइल होता है वो साइफोन होता है, ठीक है। अब उसको साइफोन होना भी चाहिए ताकि जो पॉलिन ट्यूब है वो ओवरी तक जा सके। तो पॉलिन ट्यूब जो होता है यदि वो साइफोन स्टाइल में मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइफोनोगैमी, ठीक है। यानी कि पॉलिन ट्यूब का साइफोन स्टाइल में मूव करना साइफोनोगैमी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसमें, इस प्रोसेस में सिनर्जिड सेल, ठीक है, एक खास केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसे कैल्शियम बोरोन आइसोनाइजोल शुगर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, ये क्या है आपका एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में कितने सेल हैं, न्यूक्लियस हैं। तो इस एम्ब्रियो सैक में आपके 8 न्यूक्लियस हैं, जिसमें हमने देखा था आपको कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक में एक सेल होता है जिसमें कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में 1 से 2 सेल, फिर 2 से 4 और 4 से 8 सेल बनते हैं, जिसमें ऊपर वाले सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, बीच वाले सेल को कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे वाले सेल को हम कहते हैं, नीचे वाले किनारे वाले 2 सेल को कहते हैं सिनर्जिड सेल और 1 न्यूक्लियस। तो सिनर्जिड सेल जो होता है वो कैल्शियम बोरोन आइसोनाइजोल शुगर कॉम्प्लेक्स सिक्रीट करता है। अब हमें पढ़ना है एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद होगा, इस यहाँ पे आपको एक एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाया गया है। इस ओव्यूल में देखिए निम्न स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे है आपका चैलेजा, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, इंटेगुमेंट, न्यूसेलस और माइक्रोपाइल। तो हम देखेंगे कि जो हमारा पॉलिन ट्यूब है वो हमारे ओव्यूल में इंट्री कैसे करता है। तो आपके लिए, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि सारे स्ट्रक्चर्स याद हों। तो आगे हम देखेंगे।